Welcome to ABC campus. आज हम business law के सब्जेक्ट में की स्प्रिंग 2024 की से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन ये है कि under the of Contract Act 1872, हाउ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट इज अकॉर्डिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है सबसे पहले हम एजेंट को डिफाइन कर देंगे लॉ में एजेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लाइड टू डू एनी एक्ट फॉर एनअर जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं और टू रिप्रेजेंट एनअर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन तो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो प्रिंसिपल और जो थर्ड पर्सन होंगे जिनके साथ वो प्रिंसिपल का एग्रीमेंट करवा रहा होगा अथॉरिटी ऑफ एजेंट के अंदर हम जो अगर कहें कि जिसको कैसे डिटर्मिन करते हैं तो उसमें तीन की पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं पहला पॉइंट ये कि एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी एक्सप्रेस अथॉरिटी वो होती है जो वर्ड और रिटर्न के अंदर दी जाएगी और इंप्लाइड अथॉरिटी वो होगी हो जो सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस से ली जाएगी जिसमें स्पोकन और रिटर्न वर्ड से रिलेटेड चीजें ऑर्डनरी कोर्स ऑफ डीलिंग की चीजें और सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चीजें आ जाएंगी फर्दर ये कि एजेंट की अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी लॉफुल थिंग जो कि अपने एजेंसी का काम करने के लिए यानी एक्ट करने के लिए जरूरी होता है वो कर सकता है जबकि एजेंट की अथॉरिटी जो है वो बिजनेस करने की लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस एग्जिस्ट करेगी फर्दर ये कि एमरजेंसी सिचुएशन में भी एजेंट की ये अथॉरिटी होती है कि वो तमाम ऐसे एक्ट कर सकता है इसमें वो प्रिंसिपल को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हो जिस तरह से कोई भी ऑर्डनरी प्रूडेंस का पर्सन अपने आप को लॉस से प्रोटेक्ट uh, करने के लिए सिमिलर में कर रहा होगा अगर एजेंट एमरजेंसी सिचुएशन में प्रिंसिपल के लिए ऐसा कोई एक्ट करता है तो वो भी उसकी अथॉरिटी में आएगा तो इस तीन पॉइंट्स की बेसिस पर एजेंट की अथॉरिटी डिटर्मिन की जाती है दैट्स ऑल फॉर टू हैव अ गुड डे